हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक होगा इवेपोरेशंस। ओके, इवेपोरेशंस इज द सरफेस फिनोमिना विच कन्वर्ट लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात समझ में आ रही है इवेपोरेशंस क्या है। इवेपोरेशंस भी आपके लाइक ए फिनोमिना है जो लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट में कन्वर्ट करता है। बट कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है कि आपका जो ये सारा इंसिडेंस अकर्स हो रहा है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। एंड सेकेंड वन इज द सरफेस फिनोमिना। ये केवल सरफेस पे ही होता है आपका। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे इवेपोरेशन टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, टू कन्वर्ट द लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। अभी इवेपोरेशन नेक्स्ट क्या होगा? सबसे पहले पॉइंट होगा इट इज द सरफेस फिनोमिना। ओके, इट इज सरफेस फिनोमिना। ये केवल आपका सरफेस पे अकर्स होता है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इसको ऐसे समझ लीजिए, एक आपका एक ठीक है, ये आपका सरफेस है। ठीक है, तो इस सरफेस पे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट से आपका बिलो होगा। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो इसका अपर सरफेस है यानी आपका जो लिक्विड लिक्विड का जो अपर सरफेस है इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी रख रहे होंगे। ठीक है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो सरफेस से बिलो वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी इट ब्रेक डाउन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट टू डायरेक्ट आपका गैस स्टेट पे। ठीक है, ये बहुत छोटा सा फिनोमिना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है काइनेटिक एनर्जी। अब ये मानते हैं कि आपके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका होल यानी आपका जो सारा लिक्विड होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं रहेगी आपका। ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होगी। तो हम मानते हैं कि आपका जो सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपके अदर जो आपका बिलो पार्ट है उससे ज़्यादा होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब जैसे इसने उसको ब्रेक करा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे आपका गैस स्टेट में। ये छोटा सा आपका इवेपोरेशंस का एक फंक्शन है आपका। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इवेपोरेशंस पे आपके कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन रेट। तो इवेपोरेशन रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सरफेस एरिया। ऑब्वियसली अगर आपका ये एक मान लीजिए एक बीकर है या एक सिप्लिका है इस पॉन्ड की,
अगर किसी भी बकेट का या फिर आपका टब का या पॉन्ड का, ठीक है, अगर इवेपोरेशन रेट आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया एक आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जितनी ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा ऑब्वियसली उतने ही ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपकी सरफेस पे आपके जो काइनेटिक एनर्जी होगी उन मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो डैट मीन्स क्या होगा कि ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आपके वेपर या आपका गैस स्टेट में। तो इसका मीन्स है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया इन सरफेस एरिया इंक्रीज इन इवेपोरेशन ओके। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज है तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन रेट भी आपका इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो डैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उनको, हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। थर्मल एनर्जी क्या करेगा, थर्मल एनर्जी जो इनके बीच में आपकी बॉन्डिंग है या से बोल सकते हैं जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेगा। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ब्रेक हो रहा है तो डैट मीन्स कि आपका मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपका इवेपोरेशन रेट भी आपका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो डैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर देन इंक्रीज इन इवेपोरेशन रेट ओके। इवेपोरेशन रेट तो सरफेस एरिया इंक्रीज है तो आपका इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज है तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा और इवेपोरेशन रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसे देखिए आप, नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी। आप ह्यूमिडिटी को क्या बोल सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी इन द एयर, ठीक है, इसको नहीं बोल सकते हैं आप। ह्यूमिडिटी का मीन्स है कि आपके पास जो मॉइस्चर है यानी आपके पास जो वाटर वेपर है, इसको से बोल सकते हैं वाटर वेपर, वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली आपका इवेपोरेशन क्या कर रहा है, आपका इवेपोरेशन क्या कर रहा है, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वेपर में कन्वर्ट कर रहा है और वेपर कहाँ जा रही हैं, आपके एयर में जा रही हैं। अगर ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली अगर ज़्यादा है तो डैट मीन्स कि जो एयर है वो ज़्यादा मॉइस्चर को कंटेन नहीं रख पाएगी आपका, ठीक है, तो डैट मीन्स कि आपका जो इवेपोरेशन रेट है वो आपका डाउन हो जाएगा। अगर हमें इवेपोरेशन रेट को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा कि जो मॉइस्चर है आपका उसको कम करना है। तो आपके विंटर में आपका जो मॉइस्चर आपका ज़्यादा होता है या रेनी सीजन में आपका जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर वेपर एयर में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो इवेपोरेशन अपने आप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और मई या जून यानी आपका जब इसे बोलते हैं हम समर सीजन, ठीक है, समर सीजन में जो मॉइस्चर है एयर में काफ़ी कम होता है, ठीक है, तो यानी ह्यूमिडिटी आपकी इस समय डिक्रीज होगी। जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज है यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर मॉलिक्यूल्स होल्डिंग कैपेसिटी आपकी डिक्रीज है तो इवेपोरेशन रेट आपका अपना भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मीन्स है कि अगर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज इन
इवेपोरेशन, ओके, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन इवेपोरेशन। नेक्स्ट फोर पॉइंट है आपका विंड स्पीड, विंड स्पीड। विंड स्पीड जब भी आपके विंड आपके ब्लोइंग हो रही है, आपके जब विंड चल रही है, तो डैट मीन्स क्या कर रहे हैं, अपने साथ वो वाटर मॉइस्चर जो है उसको क्या कर रही है, उड़ा के ले जा रही है, आपका अपने साथ लेके जा रही है। तो जहाँ पे आपकी विंड आपके ज़्यादा होगी, तो डैट मीन्स सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट होंगे, उनकी जो क्वांटिटी होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपकी क्वांटिटी यानी आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है अगर वो डिक्रीज हो रही है, तो डैट मीन्स कि ह्यूमिडिटी अभी आपकी डिक्रीज होगी उस एरिया में। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका जो इवेपोरेशन रेट है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है आपका। तो जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो इवेपोरेशन रेट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। जब हवा चलती है तो हम कपड़े सुखाने डालते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपके जो कपड़े हैं आपके, ठीक है, या कोई भी चीज़ है वो जल्दी सूख जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मॉइस्चर है एयर में वो आपका डिक्रीज हो रहा होगा। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड, ओके, इंक्रीज इन इवेपोरेशन। तो ये मेन फोर फैक्टर्स थे जिसके बेस पे इवेपोरेशन रेट को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं क्या इस समय आपका उस एरिया में आपका इवेपोरेशन रेट आपका क्या होगा, ओके। तो हमारे पास इसको एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, अब इसको ऐसे समझिए, ठीक है, ये हमारा एक वाटर है, ठीक है, और ये हमारा एक मटका समझ लीजिए इसे आप, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑब्वियसली जो इट सरफेस फिनोमिना, ठीक है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हमें पता है जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। अब इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके वेपर में चेंज हो गए, ये आपके मॉलिक्यूल जो हैं वेपर में चेंज हो गए, तो ओवरऑल जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी इस पूरे वाटर की वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो गई। ऑब्वियसली हाई जो एनर्जी है वो चली गई है, ठीक है, तो ओवरऑल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज है तो डैट मीन्स कि उनकी जो वाइब्रेशंस है या थर्मल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी आपकी, ठीक है। तो डेट्स इसका मीन्स है कि टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा, टेम्परेचर अपना आप गिरना शुरू हो जाएगा। जब हाई सरफेस एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चले गए तो पूरे वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है तो डैट मीन्स कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी आपको कैसा होगा, डाउन हो रहा होगा, जिससे आपका वाटर है ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए जो मटका होता है, मटके में पानी इसलिए हमारा क्या होता है, ठंडा होता है एज ए रूम टेम्परेचर या एज ए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू द इवेपोरेशन। ये पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका इवेपोरेशन कॉज कूलिंग है। तो ये चैप्टर्स में एक पॉइंट्स और रह गए आपका, लास्ट पॉइंट है, एक बार से देख लीजिए, टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन। अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन, और ये आपका है हमारे पास सेल्सियस स्केल, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि
जीरो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, ये किसके लिए रखना है कि 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें करना है 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, जब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल है तो 27 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273 इक्वल 300 केल्विन। ओके, तो यानी अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में आपको 273 ऐड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। अब इसका रिवर्स करना है, 300 केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो ऑब्वियसली अगर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल है तो हमें क्या करना होगा, 273 केल्विन को 300 में से माइनस करना होगा। तो ये सेल्सियस का साइन है, डिग्री सेल्सियस को लिखा जाता है खाली केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल सा आपका टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन है। तो केल्विन की बेसिकली आपकी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। तो बेसिकली साइंस में आपको टेम्परेचर की यूनिट मैक्सिमम केल्विन आपको शो होगी आपके, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो चुका है आपका ये टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।